अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। कैसे हैं आप लोग? तो भाई अभी टाइम हो रहा है 8:30 का और तकरीबन 8 बजे के वक्त हमारे पास न्यूज़ आई कि अश्मी चाचू और चाची के यहाँ जो है वो हुआ है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू बोथ। मुझे इतनी खुशी हो रही है, लिटरली मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। और हम लोग सब बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारे घर की खुशियों को तमाम बुरी नज़र से महफूज रखे। प्लीज़ आप लोग भी दुआ करिएगा मेरे छोटू से कज़न के लिए, जो कि मेरा हाँ कज़न ही हुआ, चाचू का बेटा तो कज़न हुआ, भाई हुआ उसके लिए और मेरी चाची के लिए। और लिटरली अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया और मुझे इतना सा भी दिल नहीं हो रहा कुछ करने के लिए। मैंने कहा बस जल्दी से जो है ना वो वीडियो शूट कर दे, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम का रिएक्शन होता है ना सुनने के बाद वो बहुत अच्छा होता है। और मेरी अभी खुद चाचू से बात हुई नहीं है, अम्मी ने चाचू को कॉल की थी मॉर्निंग में तो पता चला कि बेबी है। तो जब अब हम लोग जाएंगे उससे मिलने तो फिर आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखना है। मैं उसको तो नहीं शो करवाऊँगी ऑफकोर्स, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, बहुत सारी दुआएं कर दीजिएगा मेरे छोटे से कज़न के लिए। सही है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग सो जाते हैं क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है, फिर जब जाना होगा तब उठेंगे हम। ओके जी, अब हो गया है हमारा दिन का टाइम, हम लोग सारे सो के उठ गए। लिटरली मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि मुझे नींद में भी वही सब कुछ था कि बस जल्दी से टाइम हो जाए और मैं जाके मिल लूँ अपने छोटू से कज़न से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे शाम में, पहले घर वर का देख लेते हैं क्या सीन है, उसके बाद फिर जो है हम लोग जाएंगे क्योंकि वैसे ही वहाँ भी रश लगा हुआ है। और ये पूछा पूछे से छोटा एक और मुन्ना आ गया हमारे घर में, सबसे छोटा ये था है ना पूछे। अब सबसे छोटा तो हमजा था, हमारे घर में तो सबसे छोटा तुम था ना, अब फिज्जू से भी छोटा आ गया। छूटू तुमसे भी छोटा मुन्ना आ गया, तुम्हें खुशी हो रही है? बहुत। छूटू मेरा, यहाँ अदीना, अदीना कंगे शंगे करनी है, अदीना को पता चला कैमरा ऑन है, अदीना कंगे करने लग गई और कैमरा आते ही ऐसे खड़े हो जाती जैसे असेंबली हो रही है। अदीना को खुशी हो रही है, भाई भाई आ गया, भाई हो गया हूँ। हेयर इज राहीन एंड दानिया। रानी तुम्हें खुशी हो रही है? हाँ मुझे हो रही है। तुम्हें तो जबकि बच्चे पसंद नहीं है। हाँ मुझे बच्चे नहीं पसंद, लेकिन फिर भी हो रही है। मेरे पेपर्स भी हैं तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो खुशी तो हो रही है ना, बहुत गुड। हेयर इज माय नाश्ता, पराठा विथ छोले, छोले पूछे के छोले। ओके जी, मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए और बस अब हम लोग निकल रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और चाचू से सोचा था मैंने कि चाचू को मुबारकबाद दूंगी ऑन कैमरा, अभी उनको भी लूंगी कैमरे में, लेकिन चाचू घर पर आ गए हैं और आके सो गए क्योंकि तकरीबन 2-3 दिन से जाग रहे हैं कंटिन्यूस चाचू। तो बस अब मैं जा रही हूँ और ये मैं अगेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। अल्लाह ताला नज़र बचल सैम हैं, साथ मिठाई भी ले ली है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अगेन। लेकिन अंदर जाते साथ ही मैं ब्लॉग शूट नहीं करूँगी क्योंकि चाची भी नहीं है और थोड़ा सा जो है वो अनअप्रोप्रिएट लगता है, बट इट्स ओके यार, कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब माहौल बन जाएगा ना उसके बाद फिर करेंगे शूट। मैं अपनी पप्पो से तो गले मिल ही सकती हूँ बाहर खड़े होकर। पप्पो पहले तो मैं आपसे मिलूँ गले, मैं खुद ही थोड़ा सा खा लेती हूँ। लो हाफी लो थोड़ा सा कम। हाँ, अभी नजरें बच्चे और सर क्या हाल है आप लोग के? सब्सक्राइब बड़े ताया छोटे ताया कैसा फील हो रहा है जब आपको ताया बन के एकदम गोरा गोरा बच्चा आया है? मैं यही बोल रहा हूँ, काला गोरा क्यों निकली अभी तक?
माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं ना हम जब चाची पे गए। नहीं मैंने अभी किसी को नहीं दिखाया, जब एक साल को जाएगा चलने लग जाएगा उसके बाद हम। हाँ और बाबा आपको, बाबा कैसा फील हो रहा है छोटे ताया भाई को? फील हो रहा है, मुझे हो रहा है छोटे ताया। माशाल्लाह फर्स्ट टाइम ताया। हाँ चाची से छोटे ही, दो बार बन गया हम जब बता। यहाँ पे शायद गाय का इलाज होता है, यहाँ पे कोई सीक्रेट मंडी है जो यहाँ पर गाय भी आई हुई है, इसका इलाज चल रहा है या यहाँ पे कोई सीक्रेट मंडी है अम्मी पक्का। और अपने पेशेंट से मिलने के बाद अब यहाँ पर इफ्तार का मूड ऑन है बिल्कुल, क्योंकि पता है रोज़ा और इफ्तार के लिए सारा सामान यहाँ पे आ गया है। अब बस मुझे बहुत रोज़ा लग रहा है, मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ इफ्तार का। इफ्तार हुआ जान हुआ तो फिर मैं रोज़ा खोलूँ। बहुत रोज़ा लग रहा है मुझे, और अम्मी आपको मुझसे ज़्यादा लग रहे हैं ना, हम लोग को ज़्यादा रोज़ा लग रहा है। हो गई इफ्तार का टाइम हो गया, अजान स्टार्ट हो गई है, और हम खाने से पहले सैनिटाइज़र मुझे भी बाकी का सामान सारा यहाँ रखा हुआ है, बनाना वगैरह और पकौड़े। इधर इतना सुकून है ना, अंदर इतनी गर्मी हो रही थी और इधर इतना कोई सुकून है ब्रो। हवाएं हवाएं चल रही हैं, फुल हवाएं हवाएं। ओके जी, तो हॉस्पिटल से हम लोग तकरीबन 9:30 बजे आ गए थे। 9 बजे आई मीन 9:30 बजे 9 बजे हम लोग हॉस्पिटल से आ गए थे। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे पेशेंट के साथ हम लोग रुके हुए थे इतने सारे दिन से, इतनी थकान हो गई। और यहाँ पे नन्ना ने, सिस्टर ने हमें चाय दे दी है ताकि हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, माइंड फ्रेश हो जाए, उसके बाद फिर हम खाएंगे खाना, उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने घर। और कल तो हम लोग नहीं जाएंगे ना मिलने अम्मी और मैं, कल तो बच्चे हमारे घर के बच्चे कच्चे जाएंगे, और इंशाल्लाह फिर देखते हैं मुन्ना चल के हमारे घर आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ कुछ प्रेपर में के लिए अब हो गया हमारे रात के खाने का टाइम। हमें दिखाती हूँ हमारे खाने में क्या बनाया है नन्ना ने। नन्ना ने बनाया है दाल, दाल नहीं है ये चावल है, और ये है दाल आलू की सब्ज़ी। बहुत इतना थकने के बाद इतना कम्फी फूड, मज़ा आ जाएगा। ओके जी, घर में आ गई हूँ और इसी के साथ करते हैं अपने आज के ब्लॉग का एंड। आई होप यू लाइक इट, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। इसी की चश्मा अभी पहन के ब्लॉग करूँ, अल्लाह दो एंडिंग चश्मा स्टार्ट किया था तो चश्मा नहीं पहना होता, लेकिन मैंने मेरा मानसिक संतुलन वैसे भी ख़राब होता जा रहा है गर्मी की वजह से। ओके जी, ब्लॉग का करते हैं एंड। आई होप यू लाइक इट, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। चैनल को कर देगा सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह बोल देगा मतलब लगता है बारिश होने वाली है। नहीं यार मैं अंधी तो नहीं लग रही है, कितने मुझे पता है दो हैं, खैर बहुत लेम था आई नो। अच्छा जी, तो अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।